आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम जेनिफर मिस्त्री कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। दरअसल इनके प्रेग्नेंट होने की खबरें सामने आ रही है। साथ ही कहा भी जा सकता है कि एक्ट्रेस शो को जल्द ही क्विट करेगी। शो को अलविदा कहने के पीछे तीन वजह बताई जा रही है। पहली तो यह कि जेनिफर को दमन से वापस आते ही नहीं स्पॉट किया गया। पिछले दो महीनों से जेनिफर शो से गायब है और किसी भी एपिसोड का हिस्सा बनती नजर नहीं आ रही है। तीसरी यह कि चैनल ने जेनिफर को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह भी कहा जा सकता है कि जेनिफर थोड़े गुस्से में साथियों से बात करती थी। अब एक्ट्रेस ने इन खबरों पर विराम लगाते हुए चुप्पी तोड़ी है। बातचीत में जेनिफर ने कहा है कि कल रात से मुझे कई मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्विट कर दिया। कई तो यह भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। इन दोनों ही बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं बस थोड़ी तबीयत खराब की वजह से शूटिंग पर नहीं आ सकी और घर पर ही आराम कर रही हूँ। जेनिफर का यह भी कहना है कि मेकर से उन्होंने गुजारिश की थी कि वह दमन के शूट से उन्हें रिहा कर दें। जेनिफर की एडी में काफी दर्द था जिसके कारण उन्होंने मेकर संग बातचीत में यह फैसला लिया। चलने फिरने में जेनिफर को काफी समस्या हो रही थी। दवाइयां भी हेवी थी जिसके बाद जेनिफर ने घर में आराम करना सही विकल्प समझा। जेनिफर ने आगे कहा कि जैसे ही मेकर्स का फोन उनके पास आएगा वह शूटिंग पर वापस लौट जाएंगी। मैं टीम से टच में हूं और किसी भी तरह की समस्या नहीं है। मैं नहीं समझ पाती कि लोग आखिर कुछ भी बातें क्यों बनाने लगते हैं। कहा जा रहा है कि अगर सभी चीजें ठीक होती है तो जेनिफर शूटिंग पर 5 से 8 दिन में लौटेंगी जिसके लिए वह बेहद ही एक्साइटेड है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए thefirstnews.in।